हेलो लोइटर बी गेट्स, गुड नाइट। जब भी कोई इंसान या कोई स्टूडेंट कोई लैंग्वेज सीखता है, स्पेशली फॉरेन लैंग्वेज, तो उसके दिल में यही बात होती है कि वो छोटे छोटे टेक्स्ट को पढ़ सके, समझ सके, कुछ अपना लिख सके और दूसरों से जब भी बात करे तो उस लैंग्वेज में ठीक से बात कर सके। ठीक है, बाकी जैसे आदमी सीखता चला जाता है उसके अंदर प्रोग्रेस होती जाती है और लैंग्वेज का कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, इट्स रियली एन अनलिमिटेड ऑफर। फाइन, तो अभी तक हमने जो भी ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स किए हैं वो मेनली हमने कॉन्सेप्ट किए हैं ऑन ऑन द बेसिस ऑफ दैट, उसके कुछ एग्जाम्पल्स किए हैं। मगर ये लूज सेंटेंसेस को हम पिरो के एक साथ कोई टेक्स्ट बनाते हैं तो लगता है कि हाँ, हमने आज कुछ पढ़ा, आज हमने कुछ सीखा। ठीक है, उसका एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है एंड देन वी गेट द फीलिंग दैट वी कैन रीड जर्मन, वी कैन स्पीक जर्मन। फाइन, तो इसी सिलसिले को हम एक नया शुरू करने वाले आज, और आज से हम कुछ टेक्स्ट भी करेंगे अपार्ट फ्रॉम दैट जो अपना पिछला सिलसिला चल रहा है, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स, रेस्ट एवरीथिंग दैट विल गो ऑन। मगर बीच बीच में हम कुछ टेक्स्ट भी करेंगे। तो आज हमने एक बिल्कुल बेसिक सा टेक्स्ट लिया हुआ है, ऑनलाइन लिया हुआ मैंने, उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, उसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इसको हम डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट टेक्स्ट इज फॉर स्टेलोंग, यानी इंट्रोडक्शन। अभी मेरा पहला वीडियो आप देखेंगे तो उसमें बेसिकली इंट्रोडक्शन ही है, दैट इज वेरी वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमने एक A2 लेवल का भी इंट्रोडक्शन बनाया। ठीक है, मगर वो क्या था, लूज सेंटेंसेस, उसमें हम कुछ अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बट दिस इज गोइंग टू बी इन द फॉर्म ऑफ ए पैराग्राफ। फाइन, सो ये हमको एक अलग सा फील देगा। इसमें भी क्या है, कहने को तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है मगर इसमें कुछ आपको A2 लेवल के, B1 लेवल के भी कुछ फ्रेजेस मिलेंगे, क्योंकि वेन यू राइट ए पैराग्राफ, वेन यू रीड ए पैराग्राफ, उसको आप लिमिट नहीं कर सकते हैं कि ये बिल्कुल A1 लेवल का ही होगा, A2 लेवल का ही होगा, या किसी पर्टिकुलर लेवल का भी होगा। आप कितने से भी कितने क्लिष्ट या कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज लिख लें, उसमें बेसिक फ्रेजेस तो आएंगे। ठीक है, सो द सेम गोज फॉर ए बेसिक टेक्स्ट, राइट? तो शुरू करते हैं। माई नामा इज अना। ठीक है, फाइन, मतलब दिस इज वेरी बेसिक। माई नामा इज अना, मेरा नाम अन्ना है। ठीक है, अन्ना नहीं, नॉट दैट साउथ इंडिया वाला। माई नामा इज अना, मेरा नाम अन्ना है। माई नेम इज अना। इकोमेस्टेराइज, फाइन, ठीक है, इकोमेस्टेराइज। तो कॉमेनाउस का मतलब क्या होता है, टू कम फ्रॉम, मीन्स आप वहां के रहने वाले हैं, दैट इज द सेंस। सो इकोमेस्टेराइज उंड, अभी यहाँ पे उंड आ गया, मतलब हम दूसरा सेंटेंस को जोड़ रहे हैं, आप चाहे तो इसको अलग भी कर सकते हैं, राइट? उंड लेबर जाइट ड्राई आर इन डॉयचलैंड। फाइन, यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है ध्यान देने की, जब हम दूसरी भाषा सीखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर, उसके फ्रेजेस बनाने के तरीके, उसके एक एक माइनर चीजों को भी सीखना पड़ता है, और एक बार जब हम सीख जाते हैं तो चीजें आसान हो जाते हैं, अपने आप दिमाग में आने लगते हैं, असल में आप उनको चाह के भी बोला नहीं सकते, राइट? सो इकोमेस्टेराइज उंड लेबर जाइट ड्राई आर इन डॉयचलैंड। अब आप इसको इंग्लिश में देखें तो ऐसा लगेगा कि आई लिव इन जर्मनी, आई एम स्टेइंग इन जर्मनी फॉर 3 ईयर्स। सो ये जो 3 ईयर्स वाला फ्रेज है वो इंग्लिश में बाद में आता है, हिंदी में पहले आता है। जर्मन में क्या है, बिकॉज इट्स अ डेटिव फ्रेज, सो ये पहले आएगा, उसके बाद से इन डॉयचलैंड आएगा। ये रूल है, जब डाटिव ऑब्जेक्ट होता है, अकुजाटिव होता है, तो अकुजाटिव बाद में आता है, डाटिव का पोजीशन पहले आता है। शुरू शुरू में देख कर थोड़ा अजीब लगेगा बट इट्स लाइक दैट, राइट? सो इफ कॉम आउस यूस्टराइश उन लेबर जाइट ट्राई आर एन इन डॉयचलैंड। यू कैन से इफ लेबर उन लेबर इन डॉयचलैंड जाइट ड्राई आर एन, दिस इज फर्स्ट, राइट? इफ बिन फ्यूमसेन यारा आल्ट, अगेन वेरी बेसिक सेंटेंस। Ich bin 15 Jahre alt, means I am 15 years old und habe zwei Geschwister. Now, अभी जो कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स टाइप लग सकते हैं किसी कुछ लोगों को, वो मैंने बोल्ड कर दिया। Ich bin 15 Jahre alt und lebe zwei und habe, sorry, und habe zwei Geschwister. Now, what is this Geschwister? Bruder means brother, Schwester means sister. So, दोनों को मिला के Geschwister, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं siblings, यानी भाई बहन। ठीक है, सो इफ बिन 15 यार आल्ट उन्ड हाबे ट्वाई गेश्विस्टर, आई एम 15 ईयर्स ओल्ड एंड हैव टू सिबलिंग्स, राइट? माई ने श्वेस्टर हाई इज क्लारा, सिंपल। माई नाम इज अना, एक हाई से अना, उन्ड माई ने श्वेस्टर हाई इज क्लारा, उन्ड जी इज ड्राइट सीन यार आल्ट एंड शी इज 13 ईयर्स ओल्ड। अब यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दीजिए, कॉमा लगा दीजिए, आपकी मर्जी। फाइन, सो माइन ब्रोडर मिखाइल इज 18 यार आल्ट, मेरा भाई जो मिखाइल है वो क्या है, वो 18 साल का है, ही इज 15 ईयर्स ओल्ड, राइट?
वी हैव वोन एंड मिट वी हैव वोन एंड मिट उनसर एंड एल्टन, ठीक है, वी हैव वोन एंड मिट उनसर एंड एल्टन, यानी वी लिव विद आवर पेरेंट्स इन आइनम हाउस, इन आइनम हाउस एक घर में रहते हैं, एक मकान में रहते हैं, इन डेयर नियर फोन, अभी देखिए इन डेयर नियर फोन, ये जो फ्रेज है मतलब नियर नजदीक में, इन द विसिनिटी ऑफ जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इन द नियरनेस ऑफ, मतलब इसका बेसिक सेंस क्या है, नजदीक, इसके नजदीक, नियर नियर दैट स्कूल, फाइन, सो इन द नियर फोन मेंशन मतलब वी लिव विद आवर पेरेंट्स नियर मेंशन, या वहां से थोड़े दूर पे उसके नजदीक में, दैट इज द सेंस। माई मदर इज क्योखिन, नाउ देर कोख इज कुक, उसका फेमिनिन जो वर्जन हो गया प्रोफेशन का, दैट इज क्योखिन, माई मदर इज क्योखिन, माई मदर इज ए कुक। अभी यहाँ पे एक चीज पे ध्यान दीजिए आप, माई मदर इज क्योखिन, यहाँ पे सीधे क्योखिन आ गया, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माई मदर इज अ कुक, आई एम ए टीचर, आई एम ए प्रोफेसर, ठीक है, आई एम ए ड्राइवर, ही इज ए साइंटिस्ट, इंग्लिश में हमेशा आ लगाते हैं, हिंदी में नहीं लगता प्रोफेशन के पहले, आई एम अ टीचर, नहीं सॉरी, इंग्लिश में लेगा हिंदी में नहीं लेगा, मैं एक शिक्षक हूँ, ऐसा थोड़ी बोलते, एक आदमी एक ही काम करता है, इसलिए हिंदी वाले नहीं लगाते, इंडिया में नहीं लगाते, ठीक है, फाइन, सेम वे जर्मन में भी नहीं लगाते, सो माई मोटर इज क्योखेन, नाउ व्हाट आई वांट टू से इज दैट बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज यू शुड नॉट बी यूजिंग लाइक माई मोटर इज आइन क्योखेन, ऐसा लोग करते हैं, तो इसका ध्यान रहे, माइन मोटर इज क्योखेन, माइन फादर आरबाइटेड इन आइनर बैंक, ठीक है, माई फादर वर्क्स इन ए बैंक, राइट, अब ये इन आइनर क्यों हो गया बाबा, बिकॉज दिस इज डी बैंक, सो डी बैंक का डाटिव बनेगा तो इन आइनर बैंक, राइट, फाइन, इग्लेजा गेरने, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन फ्रॉम माई साइड एज मच एज पॉसिबल, इफ स्टिल देर इज एनी डाउट, जिनको जर्मन ठीक ठाक आती है उनके लिए रिविजन हो जाएगा, जो बेसिक, जिन्होंने बेसिक से शुरू किया अभी सीखना, उनके लिए थोड़ी मुश्किल आ सकती है, मगर डोंट हेजिटेट टू आस्क योर क्वेश्चन इन द कॉमेंट बॉक्स, आई एम ऑलवेज अवेलेबल, राइट, फाइन, सो इग्लेजा गेरना उंच मार्क टीरा, सो गेरना हम कब लगाते हैं, गेरने या गेरना, वेन यू लाइक डूइंग समथिंग, वेन यू एंजॉय डूइंग समथिंग, जब आपको कोई काम करके मजा आता है तो उसमें काम को करके सेंटेंस लगा के वर्ब के बाद गेन लगा दीजिए, इग्लेजे गेन मतलब आई एंजॉय रीडिंग, मुझे पढ़ने में मजा आता, इक्स्पीले गेन फुसबल, ठीक है, सेम चीज, इग्लेजा गेन उंच मार्क टीरा, व्हाट इज मार्क, इफ मार्क टीरा मीन्स आई लाइक एनिमल्स, डस टीयर डी टीरा, वी हैव एन आइन एन हुंड, हुंड इज व्हाट, डॉग, आइन एन क्यों हुआ, बिकॉज देयर हुंड अकुजेटिव, राइट, वी हैव एन आइन एन हुंड, सो आई कत्सन, कत्से इज वी कत्सा कैट, टू कैट्स ओंट इम गार्टन आइन एन टाइश, इम गार्टन, गार्डन में क्या है हमारे पास, आइन एन टाइश, अगेन देयर टाइश मतलब पॉन्ड पूल, मिट गोल्ड फिशन विद गोल्ड फिशेस, गोल्ड फिश गोल्ड फिशेस, इग्या आउ गेरना इन द शूला, ठीक है, आई ऑल्सो ऑल्सो एंजॉय गोइंग टू स्कूल, इग्या आउ गेरना इन द शूला, माई लिवलिंग स्पार्क इज मैथमेटिक, माई लेबलिंग स्पार्क इज मैथमेटिक, सो दिस लेबलिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स फेवरेट, ठीक है, सो लेबलिंग स्पार्क, लेबलिंग स्पोर्ट, लेबलिंग स्टांटा, लेबलिंग फ्रोइंट, ठीक है, जिसके साथ फेवरेट लगाना है उसके साथ लेबलिंग्स लगा के उसके पीछे उसको जोड़ दीजिए, सो वॉट इज फाक, फाक इज सब्जेक्ट, माई लेबलिंग स्पार्क इज मैथमेटिक, माई फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स, फ्यूजिक उन केमी मागिश निक जोगेन, सो आई डोंट लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दैट मच, राइट, नाक देर शुला गे ऑफ मिट माइनम फ्रोइंडिनेन, मिट माइनम फ्रोइंडिनेन इम पार्क स्पाचिरेन, सो दिस इज स्पाचिरेन, गेन मीन्स टू गो फॉर ए वॉक एंड दैट इज सेपरेबल, सो गे पहले आया स्पाचिरेन लास्ट में, सो नाक देर शुला, नाक देर शुला मीन्स आफ्टर द स्कूल, फर्स्ट फ्रेज हो गया, सेकेंड पोजिशन पे वर्ब आ गया, गे ऑफ्ट ऑफ इज ऑफन अक्सर, मिट माइन एंड फ्रोइंडिनेन, अभी डॉटिव ऑब्जेक्ट आ गया ना बीच में, ठीक है, सो मिट माइन एंड फ्रोइंडिनेन विद माई फ्रेंड्स इन पार्क स्पाचिरेन, सो आफ्टर द स्कूल आई गो विद माई फ्रेंड्स किधर इन द पार्क फॉर अ वॉक
मंचमेल एस एन वी आइन आइस, व्हाट इज आइस? आइस का दो मीनिंग होता है, आइसक्रीम भी और आइस भी, राइट, स्नो भी। सो मंचमेल एस एन, व्हाट इज मंचमेल? मंचमेल इज समटाइम्स, कभी कभी। सो मंचमेल एस एन वी आइन आइस, समटाइम्स वी ऑल्सो ईट आइसक्रीम। हम जमस्टा गेन वी आर ऑफ इन स्कीनो, इन स्कीनो गेन मीन्स टू गो टू सिनेमा, ठीक है। सो हम जमस्टा गेन वी आर ऑफ इन स्कीनो, ऑन सैटरडेज वी गो टू, ऑफन वी गो टू सिनेमा। हम जोन टाक श्लाफे ही लांगा, लांगे श्लाफे मीन्स देर तक सोना, टू स्लीप फॉर लॉन्ग, ठीक है। हम जोन टाक श्लाफे ही लांगा, डन कोहे मिच माइनर मोटर, राइट, देन डन इज देन, इट्स नॉट देन इट्स डन। सो डन कोहे मिच माइनर मोटर, देन आई कुक विद माई मदर। माइनर मोटर क्यों हो गया? बिकॉज डी मोटर एंड मिट टेक स्टार्टेड, वी ऑल नो दैट बाई नाउ। दस मिटागेसन, वॉट इज मिटागेसन? मिटाग प्लस एसन, सो दैट इज लंच, यानी दोपहर वाला खाना। नाक डेम एसन गेन वी आर मिड डेम हुंच अम जे स्पाचिरेन, फाइन। सो नाक डेम एसन मीन्स खाने के बाद, यहाँ पे देखिए एसन कैपिटल है मीन्स खाना, और यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो प्रोसेस ऑफ ईटिंग, राइट। सो इट्स नाउन कुल मिला के। नाक डेम एसन मीन्स खाने के बाद, गेन वी आर मिड डेम हुंच आफ्टर द फूड, आफ्टर लंच वी गो टू, किधर? हम से वी गो फॉर ए वॉक, किधर? हम से मतलब डेयर से वाला, से का दो मीनिंग होता है, ठीक है, एक तो समंदर वाला, दूसरा लेक वाला। सो हम से स्पाचेरियन, आफ्टर द फूड वी गो विद आवर डॉग, किधर? फॉर ए वॉक, राइट, एट द लेक, दैट इज द सेंसियर। जोन टैग इज माइंड लीबलिंग स्टार, जैसे मैंने बोला था लीबलिंग्स लगा के उसके आगे कुछ भी लगा दिए तो वो आपका फेवरेट बन जाता है। सो जोन टैग इज माइंड लीबलिंग स्टार मीन्स संडे इज माई फेवरेट डे, राइट। सो अभी इसको हमने अपनी तरफ से पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। कुछ लोगों को ईजी लगेगा, कुछ लोगों को मुश्किल लगेगा, राइट। फिर भी कोई डाउट है तो आप जरूर पूछ सकते हैं, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। एंड दिस वॉज अगेन द वेरी वेरी बेसिक टेक्स्ट ऑफ इंट्रोडक्शन, बट इन द फॉर्म ऑफ ए पैराग्राफ। आगे हम वेराइटी ऑफ टाइप्स, वेराइटी ऑफ टेक्स्ट पिकअप करते रहेंगे और करते रहेंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ विडा जेन।